झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य के 12वें महाधिवक्ता के रूप में पदभार लिया। इस दौरान अपर महाधिवक्ता और अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने में वो हर संभव मदद करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य के 12वें महाधिवक्ता के रूप में शनिवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान महाधिवक्ता अजीत कुमार ने गले लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान हाई कोर्ट के अनधिवक्ता और एजी ऑफिस के कर्मचारी मौजूद रहे। जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग तरीके से करेंगे और नई सरकार है और नई नीतियां हैं और जनता की नई अपेक्षाएं हैं और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, उनके नेतृत्व में जो भी नीतियाँ बनेंगी उसको सरकारी तौर पे नीतियों को लीगल जामा पहना करके हम लोग अच्छे से और मजबूती से अपना पक्ष तैयार करेंगे रखेंगे। महाधिवक्ता के रूप में पदभार लेने के बाद राजीव रंजन ने कहा है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने में वे हर संभव मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महाधिवक्ता का पद पाकर वे खुद को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल हो, जो भी हमारे पास आएगा उसके अधिकार के लिए लड़ना हमारा काम है और यही एडवोकेसी बोलते हैं। और महाधिवक्ता का जो ये पद है बहुत गौरवपूर्ण पद है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज इस पद पे और मैं इसकी जिम्मेवारी अपने पूरी सक्षमता से इसको निभाऊंगा। कई चर्चित मामलों में अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत राजीव रंजन ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई और अब उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके कानूनी अनुभव का फायदा सरकार को मिलेगा। कैमरामैन पवन के साथ विनीत उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची।